सत श्रीकाल जी, स्वागत करते सारे दर्शकों का एक बार फिर तो अपने स्टूडियो के इस प्रोग्राम के जानते हो कि रोजाना इस समय इस चैनल से असी लाइव शो लैके हाजिर होंगे। लाइव शो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्ना है कि तुम घर बैठे अपना फोन चुकना है, अपने सवाल पूछने हैं, तुहाडे सवाल सीधा स्टूडियो में पहुँचणगे। सवाल सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा नाल रिलेटेड, इमीग्रेशन नाल रिलेटेड, बाहर किवें जाया जाए उस नाल रिलेटेड। तुसीं किहड़े मुल्क च जाना चाहुंदे हो वो तुहाडी मर्जी है, तुहाडा प्रोफाइल उस मुल्क लई बनता या नहीं बनता वो एक वीज़ा माहर ने इत्थे दसना। अज एक बार फिर तो असी यूरोकैन ग्लोबल तो वीज़ा माहर अमनदीप सिंह होणा नूं लैके स्टूडियो विच हाज़र होए हां। इस लाइव प्रोग्राम दे विच सीधा प्रसारण का मतलब यह है कि तुसीं कोई भी जहन दे विच सवाल आ रहा है, कोई सवाल केस कितें अप्लाई किया होया, ऑफर नहीं आ रही, रिफ्यूज़ हो गया है, हुण अगे की बनूगा, कंसल्टेंट वध पैसे मांगता पाया है, अंबैसी वीज़ा के नाम से डबल फीस वसूल कर रहा है, सच तो झूठ का पता नहीं लग रहा, कंसल्टेंट के दफ्तर च जाते हो तो टैलीकॉलर टीम या काउंसलिंग टीम उन्नी क सियानी है कि वह शायद सवालों के जवाब नहीं दे पाती, अज बच्चा काउंसलर नालों वध सियाणा हो जाता है। इस करके असी एक वीज़ा माहर नूं लैके ते हाज़र हुंदे आ कि घर बैठे तुसीं सीधी उहदे नाल गल कर सको और अपने डाउट्स सवाल पुछ सको। सो नंबर ते लाइव कॉल कर सकते हो, कॉल सीधी स्टूडियो में आऊगी और तुहानूं जवाब मिलेगा। सो स्वागत कर लेंदे अमनदीप सिंह होणा दा यूरोकैन ग्लोबल तो। अमनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष जी, सत श्री अकाल जी, साहब मेरे जी। सो टाइम लगता है, खेचल जरूर होंगे स्टूडियो तक पहुँचने की, पर खुशी उदो बहुत महसूस होंगी जो बच्चों के सीधे जवाब दिए जाते हैं। असं जो लाइव शो के किसी कंसल्टेंट लैके आए हैं तो कई तरह तरह के सवाल साढ़े को पहुँचते हैं। कोई कहता जी कंसल्टेंट ने मेरा 2 लाख रुपया खराब करता, कोई कहता जी मेरा 4 लाख रुपया खराब होगा, कोई कहता जी 2 साल हो गया मेरी फाइल अंबैसी पई, और एक तो ऐसा कॉल आया कल शो के कहता 1.5 साल हो गया मैं यूके की फाइल अंबैसी पाई हुई है, ना वीज़ा आ रहा, ना रिफ्यूजल आ रही है, ना कोई कंसल्टेंट दस रहा कि 1.5 साल तो मेरा पासपोर्ट कितने है। सो इस लाइव शो नूं करन दा सिर्फ मकसद यही हुंदा है कि सवालों के जवाब तुहानूं शो के दौरान जिहड़े दित्ते जा सकन। सो अमनदीप जी, की मानते हो कि अज पंजाब दे विच्चों किस मुल्क नूं लैके जिहड़ा वध रुझान आ बाहर जाण दा, किस मुल्क दे विच बच्चे मैक्सीमम बाहर जाण दी कोशिश कर रहे हैं? जी इस टाइम जिहड़ी कंट्रियां ओपन हैगियां ने उहनां विच्चों कैनेडा नो डाउट बहुत ज़्यादा अगे हैगा, यूके हो गया, यूरोप हो गया। इस टाइम होया कि होया 1.5-2 साल सारा कुछ बंद रहा, बहुत घट कंट्रियां ने वीज़े दिते ने। इस टाइम हर कोई बाहर जाना चाहता, मेरे को ऑफिसिज इनक्वायरियां देखदा या आसे पासे देखदा लोगों का जो रुझान हैगा बाहर जाना बहुत वधिया होया। तो ईवन कंट्रियां नूं भी इस टाइम स्टूडेंटा की लोड़ है, छोटे तो छोटे मुल्क लातविया तो लैके माल्टा हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए। इन्नी एक्टिवनैस यूनिवर्सिटिया के असी पहला नहीं देखी सी। सो बहुत वधिया टाइम आ बाहर पढ़न जान दा, बहुत वधिया टाइम आ बाहर जान दा। जिहड़े भी लोग बाहर जान दा सोच रहे सी 1.5-2 साल तो दुचित्ती दे विच सीगे भी जाया जावे ना जाया जावे, बाहर दे सिनारियो किद्दां हैगे ने, अज का टाइम बहुत वधिया सिचुएशन दे विच आ गया। वैक्सीन रिलेटेड अपडेशन आ गई, शुरू हो गया भी जिहड़े स्टूडेंट नूं वैक्सीन लगी हुई है वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल जिहड़ा माहौल हैगा वो स्टूडेंट्स वास्ते खास तौर पर ओपन हो गया वा, दोबारा उन्हां वास्ते दुनिया जिद्दां पहलां चल रही सी शुरुआत हो चुकी हुई है जी। सो कैनेडा की गल कर लिए, पिछले 5-6 दिन तो सुनने आया कि कैनेडा नूं लैके रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा आ गए ने मार्केट के, बच्चे वेट कर रहे थे, कह रहे थे कि क्यूबैक के कुछ कॉलेजों ने खराब करता, 10 सस्पेंशन वाले कॉलेज जिन्हें CAQ सस्पेंड हुई थी टैंपरेरी, उन्होंने रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट तो चाहे अजे नहीं आए पर उन्हां कॉलेजों रिजल्ट दे दिए गए जिहड़े सस्पेंशन एटलीस्ट नहीं है। मैं ओंटारियो वाली साइड से गल कर लाँ, या मैं सस्कैचवन की गल कर लाँ, या मैं नोवा स्कोशिया की गल कर लाँ, क्यूबैक के कुछ एक ऐसे कॉलेज की गल कर लाँ जिन्हें नतीजे पिछले हफ्ते डिकलेयर होए और होलसेल के रिफ्यूजल्स आई, किसी कंसल्टेंट ने 10 रिफ्यूजल आ, किसी के 15 है, किसी के 50 है, किसी के 35 रिफ्यूजल्स है। सो कि इन्निया कनेडा दे रिफ्यूजल्स ये दर्शाउंदियां ने कि आने वाले दिनों के कनेडा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वीज़े नहीं दूगा, या कुछ होर नज़रिए ना देखते होंगे? देखो एक कहजा टाइम सीगा पिछले साल, बहुत लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस दे विच एप्लीकेशन पाईआं, नो डाउट प्राइवेट कॉलेजेस दे वीज़ा आंदे ने, बट जो तुसी अपना कोर्स सही नहीं चाहते, कॉलेज सही नहीं चाहते, अपने करियर के लैवल प्रोग्रेस नहीं करते, मान लो तुसी बीटेक की या प्लस 2 70-75% नंबर है
अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के नहीं जा रहे उदों तक। हुण मैं पंजाब का कॉमन ट्रेंड की देखा वा, पंजाब के जिन्ने सुन जाते हैं लिमिटेड गिने चुने कॉलेज है उन्होंने ही जाते हैं। पहली दिमाग की चीज़ होंगी है काम पढ़ना ना पवे, काम ज़्यादा करने मिल जाए, कॉलेज ज़्यादा दिन ना जाना पवे। सो कोशिश करो अपना कॉलेज का सिलैक्शन सही रख्या करो, कोर्स का सिलैक्शन सही रख्या करो, तो सब तो जरूरी कंसल्टेंट का सिलैक्शन सही रख्या करो जिन्हों उस कंट्री का काम करने का वधिया तजर्बा हो। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? ਗੁਰਬੇਅੰਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਬੇਅੰਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ? ਯੂਕੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ 2017 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਇਲਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਇਲਸ ਹਾਂਜੀ 5.5 ਮੈਂਟ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੈਸੇ 2017 ਚ ਪਾਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? डॉक्यूमेंट्स लो अपना, जलंधर या लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, जिहड़ी भी किसी भी स्टूडेंट नूं ब्रांच नेड़े पैंदी आ उत्थे विजिट करो। यूके नूं लैके एक चीज आई हुई सी कि वीजा आने नहीं, घट गए ने या कुछ नुकसान होया, इदां दी कोई चीज़ नहीं हैगी। सिर्फ यूनिवर्सिटियां थोड़ी जी स्ट्रिक्ट होईयां ने, एंड दे आर ओनली फोकसिंग ऑन वी क्वालिटी स्टूडेंट होवे। अज दे टाइम च भी 40% वाला स्टूडेंट जा सकदा, 45 वाला जा सकदा, 10 साल दे गैप वाला भी जा सकदा, पर हर बच्चे वास्ते रिक्वायरमेंट अलग आ। सो अपनी रिक्वायरमेंट देखो, तुहाडी प्रोफाइल ते की चीज़ एप्लीकेबल होंदी है, फिर अपनी यूके दी फाइल ला। स्वागत है जी, कौन बोल रहे हो? हेलो। हेलो, हाँ जी, नाम दसो जी अपना। सर मेरा नाम सुखविंदर कौर है। सुखजिंदर कौर या सुखविंदर कौर? सुखविंदर कौर। सुखविंदर जी कितों गल कर रहे हो? सर मैं लुधियाना ते नियर बाय विलेज तो गल कर रही हां। ठीक है जी, सवाल पूछो जी। सर मैं ना यूके लई कंफर्म करना सीगा, मैं बीकॉम कीती हुई है 2016 दे विच। ठीक है जी। 45% ने और आईएलटीएस तो मेरे ओवरऑल 5.5 ने। ओवरऑल 5.5 और 5.5 ईच है या किसी जो 5 भी हैगे? नहीं, मेरे एक दे विच और राइटिंग दे विच 4.5 भी ने। 4.5। ओके जी, तो बीकॉम दे विच नंबर किन्ने है जी? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ 4.5, 5.5 ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 4, 4.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਇਨਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਨੀ ਕੁ ਸਕਿੱਲ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60-65 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਰੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆ? 6 ਇੰਚ ਬੈਂਡ। ਓਕੇ, ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆ। ਪਲੱਸ 2, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 6 ਇੰਚ ਬੈਂਡ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ। ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ?
यूरोकैन ग्लोबल तो अपनी किसी भी प्रोविंस दे विच फाइल लगानी है लगा सकते हैं, फीस जिहड़ी हैगी है वीजा लगन तो बाद दे सकते हैं। एडिशनल सपोर्ट जो असीं कैनेडा जाने वाले बच्चे नूं दे रहे क्योंकि कैनेडा मार्केट सारे एजेंट प्रमोट कर रहा, इंडिया तो ही 170,000-180,000 के आस पास बच्चा पढ़ने लिए जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे को सेम ने, पर एडेड ऑन सर्विस तुहानू की दे रहे उन्हां दी वीजा सक्सैस रेशो की हैगी वह बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो यूरोकैन ग्लोबल खाली तुहानू उरे सर्विसिज नहीं दिंदा जो तुहाडा वीजा लगवाउण दी, उत्थे जाके तुहानू वर्क परमिट की असिस्टेंस चाहिए है, PR दे विच असिस्टेंस चाहिए है, काम लभण दे विच हैल्प चाहिए है, अकोमोडेशन विच हैल्प चाहिए है, उत्थों लोकल ऑफिसिज दे राही तुहानू हैल्प दित्ती जाती है। सो कैनेडा जिन्ने भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं मार्केट किसी भी एजेंट को विजिट कर रहे हो एक बार यूरोकैन ग्लोबल की ब्रांच विजिट करो, सर्विस देखो, प्राइजिंग कंपेयर करो, तो जरूर एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा कैनेडा वास्ते। जी सो अमनदीप जी की मानते हो कि एको दम ही रिफ्यूजल आने शुरू हो जाए, एको दम वीजा तरह तरह आने शुरू हो जाते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की गल नहीं कर रहा, कैनेडा की गल कर लिए तो हम रिफ्यूजल आ रही है, जो वीजे आने वीजे की बरसात होनी है, अक्तूबर नवंबर की गल कर लिए 2020 की गल कर लिए तो यूके के वीजा होए, बट जनवरी या हूँ जो मई इनटेक आ अखा बंद करके एम्बेसी ने वीजा दिए, सो ये उतार चढ़ाव क्यों रहा है, असं हर वे एक जिक क्यों नहीं रह सकते, इस क्वालिटी कंट्रोल आ जाता मेरे हिसाब न अंबैसिया वालों जो यूके ने वीज़ा देने शुरू करते आप भी मैं भी 2007 पास आउट प्लस टू पास बच्चे का वीज़ा लिया से बिना किसी आयल्स तो अज के टाइम चो पॉसीबल नहीं है। सो अंबैसीज के कोल जो एप्लीकेशन का वॉल्यूम जरूरत तो ज़्यादा हो जू इन्हों कोटा सिस्टम हों इन्होंने वीज़ा ग्रांट करने होंगे ने उदो इन्होंने आनी बानी वीज़ा रिजैक्ट कर देना। कैनेडा की एक बड़ी कॉमन चीज़ हैगी मैं खुद को वधिया नहीं लगती हैगी, कई बार तुम देखोगे 6 बैंड वाले बच्चों नूं वीजा दिता होगा, कई अजे स्टूडेंट भी होणगे 7.5 बैंड होणगे 8 बैंड होणगे वधिया प्रोफाइलां होणगियां उन्हां दे वीजा रिजैक्ट कर देणगे ए रीजन देके कि वी आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर कोर्स और पर्पज ऑफ स्टडी या सानू लगता तुसी पढ़ोगे नहीं। हुण दो जवाक ने दोनों के 6 बैंड ने दोनों के नंबर सेम ने तुहानू किवें पता चल गया कि ए आला पढ़ूगा ए आला नहीं पढ़ूगा, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं गया कैनेडा दा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज दे विच किसी चीज़ की घाट हो सकती है, उन्हें अपनी इंटेंशन नहीं दसिया होणगियां कि मैं पढ़ना क्यों आ या वापस क्यों आना समथिंग इदां भी हो सकता। देखो जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अज के टाइम च 99.99 एजेंट वालों ही लिखे जाते हैं, उस गलती के चांसिस ना दे बराबर होंगे ने, पर जो कॉमन चीज़ देखी जाती हूँ जो मैं एक एग्जाम्पल दी 7 बैंड वाले बच्चे 8 बैंड वाले बच्चे हूँ उन्होंने तो SOP माड़ा नहीं होना उन्होंने SOP भी वधिया। सो अंबैसीज है अपने सिस्टम रेंदे ने अपने क्राइटेरिया रेंदे ने, रिजैक्शन वाले बहुत स्टूडेंट मैंने मिल लाते हैं भी कैनेडा का ऑप्शन कंसिडर करने लिए या यूरोप की होर कोई कंट्री कंसिडर करने लिए उन्होंने वास्ते ऑप्शन होंगे अपने केप्स नोट मंगाओ अपनी रिजैक्शन का रीजन समझो जो वे गलती हैगी सुधार के दोबारा फाइल लाओ, पर अपनी जिंदगी बहर पढ़न जाना ना अपने 5C कॉन्सैप्ट हों पेज पर लिखो सी 5 बार लिखा कंट्री सही चुनो कंसल्टेंट सही चुनो शहर सही चुनो कोर्स सही चुनो सिटी ठीक चुनो, ये पंजा चो एक भी चीज़ गलत हुई तो वीज़ा रिजैक्शन के रूप में आएगा, इन्होंने चीज़ों की सिलैक्शन सही है तो अगे का फ्यूचर बहुत वधिया रहेगा। पर अमन जी सिलैक्शन करूगा कौन, कंसल्टेंट को जाते हैं तो कंसल्टेंट सिर्फ एक पी की गल करता, 5C की गल की, कंसल्टेंट एक पी की गल करता कि पैसा ले आओ बस, हूँ अल्टीमेटली कंसल्टेंट को जितों वध पैसा मिलना है जितने वध पैसा वध फायदा है उन्हें तो बच्चे उत्थे ही पाना ना, हूँ कि बच्चा इन्ना सूझवान है या इन्ना समझदार है कि वह 5 C बारे सोच सके। देखो जी ये करके ही अलग अलग तुसी चैनलों के माध्यम राही बच्चों जुड़ते हो इनफोरमेसन शेयर करते हो तो वो इनफोरमेसन होंगी है जिस डायरैक्ट सानू कोई मॉनिटरी बेनीफिट नहीं हों समा लगता सब लगता, सो वो इनफोरमेसन गेन कराया करो दिमाग च पाया करो उन्हों कंपेयर कराया करो भी ये बंदा की बोल रहा बाकी बंदे की बोल रहे हैं, ये डिसीजन तुम आ कपड़ा लैन जाने कोई तीजा बंदा थोड़ी आके दसदा भी तू आ कपड़ा ना ला आप आप लैने फोन लैन जाने कोई तीजा बंदा थोड़ी दसदा, जिंदगी दी आपे सही गलत चीज़ों का पछाण आप करते हैं कई बार गलतियां करके सीखते हैं बट पछाण जी है आप करनी पेगी, उस एक जरूरी चीज जो करया करो अपने मापियां नू प्रोसेस दे विच जरूर इनवॉल्व रखिया करो। जी सो दर्शकों दस दिए कि लाइव प्रोग्राम दे विच तुसीं भी जुड़ सकते हो, तमाम मुल्कां दे स्टडी वीजा संबंधी कोई जानकारी लै सकते हो जो भी लैना चाहते हो घर बैठे ही, चाहे वह कैनेडा स्टडी वीजा है चाहे वह यूके स्टडी वीजा है चाहे वह शेनिगन स्टडी वीज़ा है चाहे वह US स्टडी वीज़ा है, तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में बिना आईलैट्स तो जाना चाहते हो आईलैट्स के नाल जाना चाहते हो पैसे वीज़ा लगन तो बाद देना चाहते हो बजट घट आ रिफ्यूज़ हो चुके हो बिना इंटरव्यू तो जाना चाहते हो घट नंबर के नाल जाना चाहते हो तो किसी भी तरह का प्रोफाइल है एजेंट कोई हाथ पला नहीं फड़ा रहा तुरंत कॉल कर सकते हो।
ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 35% ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਓ, 40% ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਓ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋ ਕੈਨ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 35%, 40% ਵਾਲਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲਓਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਯੂਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਲਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਤਵੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਇੰਨਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਮਝੋ, ਬਜਟ ਸਮਝੋ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 35-30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਪ ਟੂ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਭਾਜੀ ਬੰਗਿਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਅਕਰਬਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਜੂਗਾ ਕੀ? ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। 12ਵੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ? 2020 'ਚ। 2020 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 1.5 ਨੰਬਰ ਓਵਰਆਲ, 6.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਓਵਰਆਲ 6.5 ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 5:30 ਦੇ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 5:30 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਆ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, 5.5-6 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਉ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 5,000 ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਉ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5.5, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ 6 ਹੈਗੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 'ਚੋਂ 5.5 ਨੇ, 3 'ਚੋਂ 5.5 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਲੈਣ, ਝੂਠੀ ਆਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਲਮ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਆ, 2'ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਆਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਏਜੰਟ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 50 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 5.5 ਬੈਂਡ 'ਤੇ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਆ, 1 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, 2 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, 3 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 4.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, 1 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 1 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 'ਚੋਂ 5.5 ਆ, 3 'ਚੋਂ 5.5 ਆ, 1 'ਚੋਂ 4.5 ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਰੋਕੈਨ ਗਲੋਬਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਓ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ।
कोई कॉलेज की फीस नहीं देनी, कोई एम्बेसी फीस नहीं देनी, कोई इंश्योरेंस नहीं देने, कोई फंड के नाम से नहीं खर्चे देने, यानी तुहाडा एक भी पैसे का रिस्क नहीं। दैट मीनस जो प्रैशर नॉर्मल तौर पर बाकी एजेंटा को बच्चे के सिर पर होंगे भी मेरा वीजा ना आया, मेरा 1-1.5 लाख रुपया उठ जूगा, वो इस केस कंपनी बीयर करके चलेगी। बट कंपनी की ध्यान रख के चलेगी कि मैं जो बच्चे की फाइल पर इन्नी मेहनत करनी है कि मैं वीजा लेना। कैनेडा अप्लाई करना चाहते हो अलग अलग एजेंटा च नहीं समझ आ रहे, कोई इन्ने पैसे मांगता, कोई इन्ने पैसे मांगता, कोई कहता मैं इन्ने ते कर दूँ। डॉक्यूमेंट्स लैके ऑफिस विजिट करो, अपनी कोर्स प्रेफरेंस दसो, सिटी प्रेफरेंस दसो, दे के अपना फाइल अप्लाई करो। जदों तुहाडा वीजा स्टैंप होकर आ जाता उस तो बाद जिहड़ा है अपने पैसे दो। बाकी सारी कंट्रियां वास्ते भी सेम सिस्टम आ। सो यूरोकैन ग्लोबल तुहानू इन्नी तसली दिंदा, बिना किसी हैडेक, बिना किसी प्रैशर, बिना किसी सिरदर्दी दे तुसीं अपना बाहर जाण दा सपना पूरा कर सकते हो। आई थिंक कंसल्टेंट दा रोल एक ही होंगे कि जो लोग बाहर जाने का सपना लभ रहे उन्होंने सही राह दिखाना। जिवें तुसीं स्टार्टिंग च कहा सीगा झूठा सपना बेचना पंजाब दे विच बहुत सौखा वा, 5.5 वाले लोग सपना लैके घूमते होंगे ने। जिन्हें उन्होंने कहता भी मैं 5.5 तेरा वीजा लवा दूंगा, उन्हें उंगल पकड़ के सपना लैके वो मगर पै जाना। सपना पूरा करने से हेल्प करने वाले बहुत घट होंगे ने, उन्होंने चोण तुहानू आप करनी। हाथ जोड़ के माफी उन्होंने लोगों को जिन्हें या स्टूडेंट्स को एप्लीकेंट्स को जिन्हें कॉल स्टूडियो में शामिल नहीं की जाए। कल फिर मिलेंगे इस समय इस चैनल पर कॉल्स लैके ताकि तुहाडे सवालों के जवाब घर बैठे दिते जा सकन। किसी भी मुल्क चाहे शैनिंगन जाना है, चाहे यूके जाना, चाहे कैनेडा जाना, चाहे US जाना है, बिना आइलट जाना आइलट्स नाल जाना है, एडवांस पेमेंट नहीं देनी, पैसे वीजा लगन तो बाद देने है, रिफ्यूज़ हो गए हो, दोबारा पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते, पर कॉल कर सकते हो। अमनदीप सिंह जी सा हाजिर से यूरोकैन ग्लोबल तो। अमनदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बनी जी, सत श्री अकाल जी। सारा मैं परमिंदर सिंह लुधियाने तो बिलोंग करदा। मैं 2014 च कमर्स स्ट्रीम च प्लस टू की सी एंड उस तो बाद मेरा 6 साल का गैप से। मैं बहुत एजेंटा मिलया बट उन्होंने कोई राह सिरा नहीं दिता। उस तो बाद मैं यूरोकैन की टीम को मिलया, इन्होंने मेरा अंबैसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा के यूके का वीज़ा ग्रांट करा के दिता। एंड मैं हरप्रीत सर, अमनदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ, उन्होंने मैनू 5 दिन के अंदर आफ्टर इमीग्रेशन इंटरव्यू वीज़ा हासिल करवाया। माई नेम इज़ रमनदीप कौर, आई बिलोंग टू बठिंडा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई हैप्पीनेस विद यू विच आई गेट जस्ट बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ यूरोकैन ग्लोबल लुधियाना। एक्चुअली आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन ऑफ आर्ट्स इन 2014 एंड आफ्टर दैट आई हैव 4-6 ईयर्स गैप ऑल्सो एंड आई ऑल्सो मिस माई मे इनटेक एंड वी वर वेरी डिप्रेस्ड ऑन दैट टाइम। बट टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई गेट वीजा जस्ट बिकॉज द एफर्ट्स ऑफ यूरोकैन ग्लोबल। माई सेल्फ रंजीत सिंह, आई एम फ्रॉम टू होशियारपुर। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन टू इन 2015 एंड टुडे आई गॉट माई वीजा इन यूरोकैन ग्लोबल। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल टीम एंड मैनेजमेंट, स्पेशली हरप्रीत सर, अमन सर। माई रिक्वेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु इंटरेस्ट टू गो स्टडी अब्रॉड। माई नेम इज साहिल, बिलोंग ऑफ गुरदासपुर विलेज कमांड। मैं जलंधर ब्रांच तो यूक्रेन का वीजा अप्लाई किया सीगा तो सो 40 डेज दे विच वीजा सक्सेसफुल हो गया मेरा। मैं बलराज सिंह फतेहगढ़ साहब तो, अज मेरा पास यूक्रेन का वीजा आया, मैं बहुत खुश हाँ। मैं हरप्रीत सर तो यूरोपियन टीम का सारे का बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैं ये वीजा हासिल करके दिता। मेरे 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 2014 'ਚ ਕਮਰਸ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯੂਰੋਕੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੰਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ।